नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सीएम नीतीश कुमार की ढाल बने हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो अक्सर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं और कई बार सीएम नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला किया है, उन नेताओं को यानी अपनी ही पार्टी के नेताओं को सुशील मोदी ने आईना दिखाया है और इस वजह से अपनी ही पार्टी के कई नेताओं के निशाने पर भी डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कई बार रहे हैं। एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सीएम नीतीश कुमार की ढाल बने हैं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बेहद सधे शब्दों में सवाल उठाया था और ये कहा था, चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा या नेतृत्व कौन करेगा, यह फैसला गठबंधन में सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी को करना है। बिहार और गठबंधन के हित में जो भी फैसला भाजपा लेगी, लोक जनशक्ति पार्टी पूरे तरीके से उस फैसले का समर्थन करेगी। मौसम चुनाव का हो, वक्त चुनाव का हो, तो हर बयान के अपने एक मायने होते हैं और ऐसे भी सियासत में हर बयान का एक राजनीतिक मतलब होता है। चूँकि बीजेपी के कई बड़े नेता बार बार ये कह चुके हैं, बीजेपी के दो अध्यक्षों ने ये कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी। मौजूदा गृह मंत्री और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी ये कह चुके हैं और बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ये कह चुके हैं। बीजेपी के बड़े नेता और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव भी ये कह चुके हैं। बावजूद इसके चिराग पासवान को क्या ये पता नहीं है, ये लगातार सवाल उठ रहा था कि बीजेपी का एनडीए का चेहरा बिहार में कौन होगा, इस वक्त इस ट्वीट का क्या मतलब है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे और माना जा रहा था कि बेहद सधे अंदाज में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है, जैसे बेहद सधे अंदाज में चुनावी साल की शुरुआत में वो सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते रहे हैं पलायन और दूसरी चीज़ों को लेकर। अब बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का जवाब सामने आया है और बिना नाम लिए उन्होंने जवाब दे दिया है अपनी सहयोगी लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान के। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आज पटना में मीडियाकर्मियों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार ये कह चुकी है कि बिहार में उसके कमांडर नीतीश कुमार ही होंगे। अमित शाह जी कई दफ़े इस बात को दोहरा चुके हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी ये साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में किसी के मन में शंका क्यों है, नीतीश कुमार पहले से ही बिहार में एनडीए के कमांडर हैं, बीच लड़ाई में कमांडर नहीं बदला जाता। ये बयान डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पहली बार नहीं दिया है जब बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, कप्तान बीजेपी का होना चाहिए। तब भी डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार की ढाल बनकर उन्होंने ये बयान दिया था कि बीच लड़ाई में कमांडर नहीं बदला जाता, बीच लड़ाई में कप्तान नहीं बदला जाता, कप्तान नीतीश कुमार ही रहेंगे। और ऐसा कहकर वो अपनी ही पार्टी के कई नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। एक बार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।